Hey guys, और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी को बताया कि फ्लिपकार्ट और अमेजन में डिलीवरी रिलेटेड कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसके रिलेटेड मुझे दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया। आप सभी को बताया कि मैं इसके रिलेटेड वीडियोस हमेशा बनाता हूं, आपका सोल्यूशन देता हूं, पर इसके रिलेटेड दो क्वेश्चन मुझे बहुत बहुत ज्यादा बार पूछा गया यहाँ पर यूट्यूब में कॉमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ जो है इंस्टाग्राम में मुझे पूछा गया। तो वो दो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा ऑर्डर जो है आते वक्त मतलब रास्ते में वो कैंसिल हो चुका है, ऑटोमेटिकली मैंने कैंसिल नहीं किया, तो उसको ऑर्डर क्या वो हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि उस ऑर्डर को हमने जो है सेल में खरीदा था उसमें हमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिला था, तो वो ऑर्डर हम क्या करें, क्या कुछ कर सकते हैं उस ऑर्डर को लेने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो नियरेस्ट हब है ना वहां पर ऑर्डर जो है हमारा प्रोडक्ट वो 2-3 दिन से है पर वो जो है हमें डिलीवर नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम क्या करें। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो ये जो प्रॉब्लम है सभी के साथ हो रहा है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे बात, तो फिर आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो में ही आंसर छुपा हुआ होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगर हमारे ऑर्डर आते वक्त रास्ते में वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तो मैं सिंपल सा आपका आंसर देता हूं। यहां पर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करता हूं या फिर मैं आपको होपलेस नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी है जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना वही मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैं तो फ्लिपकार्ट का मालिक नहीं हूं कि मैं कुछ बता दूंगा वो हो जाएगा, मैं कस्टमर हूं और एक कस्टमर के साथ जो होता है ना वही वो एक्सपीरियंस हो शेयर कर सकता है। तो मैं अगर अपनी बात कहूं तो एक ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम आप तब तक इशू कर सकते हो, तब तक उसके रिगार्डिंग कुछ कर सकते हो, चाहे आप उसके अगेंस्ट में FIR करो, पुलिस में केस करो या फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, तब तक ही कर सकते हो जब तक वो ऑर्डर आपको डिलीवर हो जाए या फिर ऑर्डर ऑन द वे है। ये तो जो है कंडीशन में आप ये सब कुछ कर सकते हो, पर वो ऑर्डर अगर कैंसिल हो जाए या फिर आप कैंसिल कर देते हो ना उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपके साथ जो ई कॉमर्स कंपनी चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो या फिर स्नैपडील हो, जहां से आपने प्रोडक्ट खरीदा था ऑर्डर किया था ना, उनके साथ आपका जो लिंक है वो कट जाता है जब आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो। तो यही बेहतर होगा कि अगर आपको कुछ करना है किसी ऑर्डर रिलेटेड तो उस टाइम में करना है जब आपका ऑर्डर ऑन द वे है या फिर आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है और उसके बाद आपको एक फेक प्रोडक्ट मिला है या फिर कुछ गलती मतलब गलत सामान मिला है, तो उस वक्त आप कर सकते हो। प्रूफ रख के वीडियो रख के और उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना के रखा, जाके देख लेना कि कैसे आपको जो है फेक प्रोडक्ट से बचना है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल की कि भाई मेरा नियरेस्ट सबसे मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा है और उसके बाद ऑटोमेटिक को कैंसिल कर दे रहे, मेरे पास आ ही नहीं रहा, मुझसे पूछ नहीं रहा कि भाई ऑर्डर लेगा कि नहीं, मुझे फोन भी नहीं कर रहा और कैंसिल हो जा रहा, तो क्या करना है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त कि जब आपका ऑर्डर कैंसिल कर देते हो लोग, आपको डिलीवर नहीं करते, तब आप सोचते हो कि मुझे कंज्यूमर कोर्ट जाना है, मुझे पुलिस में FIR करना है, ये सब कुछ आप सोचते हो जब आपका ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं उसके बाद। तो इससे बेहतर तो यही होगा कि आपको जो नियरेस्ट हब है ना वो अगर 5 किमी दूर है ना, और अगर आपको ऑर्डर चाहिए ही चाहिए कि भाई मैंने ये 10,000 रुपया कम देके खरीदा है तो मुझे ये प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि दूसरे टाइम मुझे ऑफर में नहीं मिलेगा, तो बेहतर यही होगा कि वहां पर आप जाके उस ऑर्डर को पिकअप करो। और इसके अगर आपको ये करना है ना तो आपको जब आप ऑर्डर पिकअप करने जा रहे हो आप जब देखते हो कि एक दिन जब आपका नियरेस्ट हब में आ गया ना उसके बाद एक दिन नॉर्मल डिले होता है, एक दिन उससे ज्यादा अगर डिले होता है तब आप जाके जो है फ्लिपकार्ट को कॉन्टेक्ट करो, फ्लिपकार्ट को बोलो कि आप जो है सेल्फ पिकअप करना चाहते हो, ठीक है, आप खुद से ऑर्डर पिकअप करना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली वो पिकअप जो है शेड्यूल कर देंगे और आप जाके वहां से वो ऑर्डर ले सकते हो, ऑर्डर रिसीव कर सकते हो। बेहतर यही होगा कि आप जो है फ्लिपकार्ट से बात करो अगर आपका ऑर्डर डिले कर रहे हैं नियरेस्ट हब से, दूसरे हब से नहीं, नियरेस्ट हब से अगर जो आपका पास में आवे जहां से वो आउट फॉर डिलीवरी होता है ना वहां पर अगर डिले कर रहा है तो आपको डायरेक्ट वहां पर जाना है, उसके पहले फ्लिपकार्ट को कॉन्टेक्ट करके बता दो कि मैं सेल्फ खुद जाके जो उसको प्रोडक्ट को रिसीव करना चाहता तो उसका जो है व्यवस्था आप कर दो, तो आप उस ऑर्डर को ले सकते हो वहां से जाके। और अगर नहीं लोगे, अगर आप वेट करते रहोगे कि भाई आ जाएगा इनका काम है उनका काम है, तो फिर आपका ऑर्डर ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आप फिर जाके कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप जो है वहां पर प्रॉब्लम बताओगे, पुलिस स्टेशन में जाके प्रॉब्लम बताओगे, ये सब कुछ आप कर पाओगे पर वहां पर जाके ऑर्डर नहीं ले पाओगे, ये तो गलत बात है ना। तो मैं ही आपको रिकमेंड करूंगा कि वहां से जाके ऑर्डर को आप खुद से पिकअप कर लो, यही बेहतर होगा। तो दोस्तों ये दो चीज आप जरूर याद रखना कि कैंसिल होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते और जब आपका ऑर्डर डिले हो रहा है तब नियरेस्ट शॉप में जाके वो ले लो फ्लिपकार्ट से बात करके। ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए हो ना तो फिर आपको दूसरी बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रियलिटी है।
यहाँ पर कोई फ्लिपकार्ट की मालिक आपको आपको नहीं बताएगा कि नहीं ये करोगे वो करोगे तो हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब बस आप एक कस्टमर जब हो ना, आप खुद भी बता सकते हो कि क्या आपके साथ होता है, 10 बंदे के साथ क्या होता है। वैसे मैं भी 10 बंदों से बात करता हूँ कि क्या क्या हो रहा है आपके साथ, क्या होगा, मैं सबसे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आपको इसके रिगार्डिंग जो भी सोल्यूशन होता है ना वो देता हूँ। तो यही था इस वीडियो में, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, साथ ही साथ अगर नए चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, केयर फॉर योरसेल्फ, योर फैमिली एंड द नेशन, बाय बाय, जय हिंद।